हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम HTML में टेक्स्ट कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे लगा सकते हैं, टेक्स्ट को अलाइन कैसे कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन क्या होता है। अगर आप सीखने में इंटरेस्ट हैं तो लास्ट तक बने रहें। सीधी बात, नो बकवास, मैं तुषार सिंह और बनाते हैं वीडियो को खास। TS कंप्यूटर टेक चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप गर्ल्स हो लाइक करो, बॉयज हो कमेंट करो, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। दोस्तों चलते हैं नोटपैड पे और करते हैं ओपन। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ मैं HTML के बेसिक टेक्स्ट को लिख रखा हूँ और अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले सीखेंगे कि कैसे हम HTML के ब्राउज़र पेज पे बैकग्राउंड कलर को लगा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बॉडी टैग में हम बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बीजी कलर और इसके वैल्यू में जो कलर को पुट करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। हम लिखते हैं एक्वा और करते हैं सेव। चलते हैं क्रोम पे और करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं HTML के पेज पे ये कलर पुट हो चुका है। अब आते हैं नोटपैड पे और अब बात करेंगे टेक्स्ट कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम बॉडी टैग में ही टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट और इसके वैल्यू में लिखेंगे रेड और अब करते हैं सेव। आते हैं क्रोम पे, करते हैं F5 से रिफ्रेश। देखिए ये रेड में कन्वर्ट हो चुका है। और अब फिर से चलते हैं नोटपैड पे और अब TS कंप्यूटर टैग को हेडिंग बनाने के लिए हम यहाँ H1 टैग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं H1 और इंड में H1 को करते हैं क्लोज। फिर करते हैं सेव। वापस आते हैं क्रोम पे, करते हैं रिफ्रेश। देखिए ये हमारा हेडिंग बन गया। तो इस तरह से हम H1 से लेकर S7 तक हेडिंग तैयार कर सकते हैं। और अब फिर से आते हैं नोटपैड पे और यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि किस तरह से अपने पैराग्राफ को लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ जिस टैग का यूज करेंगे वो है पैराग्राफ टैग, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ टैग में ही अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। यहाँ लिखते हैं अलाइन और इसके वैल्यू में लिखते हैं लेफ्ट। इसे करते हैं यहाँ पे टाइप टू लेफ्ट अलाइन द पैराग्राफ। और अब पैराग्राफ टैग को करते हैं क्लोज और अब इसी पैराग्राफ को करते हैं कॉपी और फिर करते हैं पेस्ट। 3 टाइम करेंगे पेस्ट, 1, 2 एंड 3। और यहाँ पे अब इसको कर लेते हैं हम एडिट ताकि हमारा समय बच जाए। और अब यहाँ पे राइट, यहाँ भी राइट और इस वाले पैराग्राफ में हम यहाँ लिखेंगे सेंटर, यहाँ भी सेंटर। जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे हम सिर्फ पैराग्राफ टैग को ही रहने देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए जस्टिफाई में अंतर क्या आता है। इस पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है इसको हम डिलीट करके यहाँ पे एक पैराग्राफ को करते हैं कॉपी और फिर करते हैं सेव। आते हैं क्रोम पे, करते हैं रिफ्रेश। देखिए हमारा पैराग्राफ अलाइन होकर रेडी है ना। ये लेफ्ट में और ये सेंटर में और ये राइट में, जस्टिफाई पे हम लोग बात करते हैं। और अब बात करेंगे जस्टिफाई होता क्या है, ये करता क्या है। नॉर्मली तरीके से ये हमारे पैराग्राफ में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उसको अरेंज करके एक सुंदर से रूप में कन्वर्ट कर देगा। तो हम लोग इसको समझने के लिए चलते हैं नोटपैड पे और यहाँ पैराग्राफ टैग में हम अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे
अलाइंग और इसके वैल्यू में लिखना है जस्टिफाई। और अब करते हैं सेव, आते हैं क्रोम पे, करते हैं रिफ्रेश, देखिए ये जस्टिफाई हो गया है ना। तो और अब हम बात करेंगे कि कैसे हम HTML में फॉन्ट का स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम फॉन्ट टैग का यूज करते हैं। तो हम लोग फॉन्ट टैग में फेस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे है ना। फॉन्ट टैग में फेस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, उस यहाँ पे लिखेंगे फेस, उसके बाद इसके वैल्यू में हमको जो भी फॉन्ट पसंद है, जिस फॉन्ट में हम चाहते हैं कि ये फॉन्ट कन्वर्ट हो जाए हमारे क्रोम के पेज पे, तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले फॉन्ट को चूज कर लेंगे कि हमको चाहिए कौन सा फॉन्ट। तो उसके लिए हम आते हैं फॉर्मेट टैब पे और फिर फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देख लेंगे हमको कौन सा फॉन्ट चाहिए। उसके बाद फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद हम फॉन्ट को यहाँ पे कंट्रोल सी से करते हैं कॉपी, कैंसल, अपने वैल्यू में करते हैं हम इसको पेस्ट। अब फॉन्ट को करेंगे क्लोज। अब करते हैं सेव, आते हैं क्रोम पे, करते हैं F5 से रिफ्रेश, देखिए ये हमारा फॉन्ट चेंज हो गया है ना। तो इस तरीके से हम कोई भी यहाँ पे फॉन्ट, अगर उस फॉन्ट का नाम हमको पता है तो नॉर्मली हम यहाँ पे फॉन्ट का नाम लिख देंगे तो बस वो फॉन्ट हमारा चेंज हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हम जो भी कुछ समझा रहे हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कि कैसे हम अपने HTML पेज पे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लेफ्ट वाले पैराग्राफ में यूज करते हैं बोल्ड टैग का, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बी टैग और अंत में इसे करते हैं क्लोज। उसके बाद यहाँ हम लगाते हैं इटैलिक टैग, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। और अब हम अंत में इसे करते हैं क्लोज। और अब बारी आती है अंडरलाइन टैग की, जिसे हम यू टैग से डिनोट करते हैं और इसे अंत में करते हैं क्लोज। करते हैं सेव, आते हैं क्रोम पे, करते हैं रिफ्रेश, देखिए ये पैराग्राफ बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन आ गया है इसमें है ना। और अब आते हैं नोटपैड पे और अब यहाँ बात करते हैं किस तरीके से हम फॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लेफ्ट वाले ग्राफ में फॉन्ट टैग का यूज करेंगे। इस फॉन्ट टैग में हम साइज एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं साइज और इसके वैल्यू में हम यहाँ पे लिखेंगे 1 to 7 से जिस भी साइज में हमको चाहिए, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 5 है ना। और अगर इसका कलर चेंज करना है तो इसी फॉन्ट टैग में हम कलर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कलर और इसके वैल्यू में लिखते हैं ग्रीन। और अब फॉन्ट टैग को करते हैं यहाँ पे हम क्लोज। करते हैं सेव, ओपन करते हैं क्रोम को, करते हैं F5 से रिफ्रेश, देखिए यहाँ पे साइज और कलर दोनों अच्छे से चेंज हो गया है ना। तो आप ऐसे बेसिक तरीके से HTML पेज को क्रिएट कर सकते हैं। ये लेसन नंबर 4 था। अगर आपका प्यार बना रहा तो जल्द ही मिलेंगे हम लेसन नंबर 5 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।